हेलो दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्वाद घर का में। दोस्तों आज हम बनाएंगे चावल फ्राई। दोस्तों हमने चावल को अच्छे से वाश कर लिया है, देखिए हमने दो तीन पानी में इसको वाश करेंगे और चावल को आधे घंटे के लिए रख देंगे। अब रखेंगे हम गैस पे कुकर और इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी। और इसमें हम डालेंगे जीरा जीरा डालने के बाद इसमें हम डालेंगे 2 हरा मिर्चा। अब इसमें इसके बाद हम डालेंगे प्याज। प्याज को हमने मोटा मोटा काटा हुआ है। दोस्तों प्याज को इसके बाद हम डालेंगे लहसुन। लहसुन को हमने काटा नहीं है, वैसे ही डाल दिए हैं। अब इसको हल्का सा चला लेंगे। दो मिनट के बाद दोस्तों इसमें हम डालेंगे आलू को हमने छोटा छोटा काट लिया है और उसको धुल के डाल देंगे। इसको भी हम मिला करके अब इसमें डालेंगे टमाटर। अब इसके बाद दोस्तों इसमें हम डालेंगे नमक और हल्दी। नमक अपने स्वाद हिसाब से डालेंगे। 1 चम्मच हल्दी डाल देंगे। आप लोग इसको बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा ये। इन दोनों को अच्छे से मिला लेंगे। दोस्तों हमारे चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। अब इसमें डालेंगे मैगी मसाला, ये पैकेट छोटा वाला पैकेट है, उसको भी हम मिला देंगे। अब इसके बाद जो हमने चावल रखे थे उसको डालेंगे। दोस्तों अब इसको हम मिला करके चावल को अच्छे से अब इसके बाद हम डालेंगे इसमें काजू। अब इसको भी मिला देंगे। मिलाने के बाद इसमें दोस्तों डालेंगे पानी। पानी जितना आप लोग चावल बनाते हैं उतना ही डालना है, जैसे चावल बनाने में हम लोग डालते हैं उसी तरह डालना है।
इसके बाद इसमें डालेंगे मैगी, टोमेटो सॉस, इसको भी मिला देंगे। अब कुकर को कर देंगे बंद। और दोस्तों कुकर में एक सीटी सिर्फ लगाएंगे। एक सीटी हो चुके हैं दोस्तों, अब इसको हम उतार लेंगे कुकर को, और सीटी अपने से जब निकल जाएगी तब इसको हम खोलेंगे। तो देखिए दोस्तों सीटी निकल गई है और हम देखिए चावल फ्राई बन के तैयार है। इसको चला लेंगे पलटी की मदद से और इसको अभी प्लेट में निकालेंगे। दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।